हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हमारा पांचवा दिन है शायद ना, और अभी हम जा रहे पेंगोंग लेक। ले से हम निकल चुके हैं और ये जो फिलहाल ये जो पार्ट ये जो पोर्शन है पेंगोंग लेक का, शायद ये सबसे बेस्ट रहेगा बिकॉज सबसे ज़्यादा मज़ा इसी में आना है। अभी कहाँ जा रहे हैं हम? डीजल फुल करवाने, टैंक फुल करवाने। अभी पहुंच चुके हैं वर्ल्ड के सेकंड हाईएस्ट पास पे, छंगला पास। और वॉशरूम गए के करके बोलने में बहुत दिक्कत हो रही है, होठ सूख चुके हैं। और अभी और ऊपर जाना है, देखते हैं क्या होता है। अभी जितने भी टूरिस्ट जितने भी घूमने आए हुए हैं सब यहीं हैं। कोई मैगी खा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मैं रेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि सर में दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। भाई को कुछ हो ही नहीं रहा, भाई तो बिल्कुल ओके खाए जा रहा है और अपना मस्त इंजॉय कर रहा है। मेरी हालत टाइट हो गई भाई, सर में क्या खाओ? केला, केला खा रहा है और भाई सर में दर्द हो रहा है। डिहाइड्रेशन इतनी बुरी हो चुकी है, बस क्या बताऊँ। फिलहाल रेस्ट लिया 10-5 मिनट का यहाँ पर, उसके बाद निकलेंगे आगे पेंगोंग के लिए। हाँ तो मिलते हैं आगे, इतने थोड़ा बहुत रेस्ट कर लेता हूँ। ए भाई मैं एक बार व्लॉग कर लूँ भाई, उसके बाद तेरी फोटो खींचता हूँ भाई। भाई को फोटो खिंचवानी है, मुझे व्लॉग करना है। और यहाँ सांस लेने में अब थोड़ा आराम मिला है क्योंकि हमने ऑक्सीजन गोली खा लिया है और हम आसमान का सीना फाड़ के ऑक्सीजन नहीं निकाल पाए। लास्ट ईयर का वो डायलॉग था कुछ। व्यू अच्छा लगा तो थोड़ी देर रुके हैं और व्यू इन्जॉय कर रहे हैं क्योंकि ये व्यू क्या लगता है आपको, कभी देखने को मिलते हैं भाई अगर हम नॉर्मल घर पे रहते हैं तो? नहीं भाई। गाइस हवा इतनी डिफिकल्ट, रोड्स डिफिकल्ट, रोड डेस्टिनेशन। गाइस भाई तो सोचता है ना कि मैं जाऊंगा, सोचो मत, चले जाओ। हमारा प्रोग्राम कहाँ तक का था? गुलमर्ग का था, बट गुलमर्ग गए नहीं। गुलमर्ग की जगह हम गए सोनमर्ग, और सोनमर्ग से फिर हम जा रहे थे सांप, आई डोंट नो। सोनमर्ग जब हमने एंट्री ली तो उसमें लिखा आया कि ले 323 समथिंग अराउंड, तो प्रोग्राम बनाया कि हाँ जब इतनी दूर आ चुके हैं तो वो भी सही। जब ले पहुंच गए तो पेंगोंग लेक 228 किलोमीटर था, तो मतलब पेंगोंग लेक भी सही, उससे भी आगे एक लेक है वो 300 किलोमीटर है, उसको भी देख लेंगे अगर मन करेगा तो। और भाई अभी इन्जॉयमेंट ले रहा है आराम से नदी के, प्रॉपर नदी नहीं है, पानी आ रहा है उसके स्वाद ले रहा है पूरे। और व्यू देखो आप मेरी नज़रों से, हाँ। और एक अपना कोल्ड ड्रिंक ठंडी हो रही है,
ये देखो ये और ये कोल्ड ड्रिंक ठंडी। अब भैया गाड़ी में तो घूमने आए नहीं थे, मतलब आए गाड़ी में थे, बट पैदल चलने के भी आनंद लेना चाहिए। सांस चढ़ रही है, ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है, बट अगर कोई आता है तो भाई ऑक्सीजन की गोली लेके आना, वो ज़्यादा प्रेफर करूँगा। क्यों मानो भाई, लेनी चाहिए ना ऑक्सीजन की गोली। बिल्कुल भाई, ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम है यार। हमारा भाई बाथरूम तक गया था और सांस फूल गए थे। भाई बोला गाड़ी पकड़नी मुश्किल हो गई थी। ये तक मुड़ दिया, क्या होगा बता दो। अरे बता दे भाई शर्मा गया। देखो कर देखा दुल्हन है वो दुल्हनिया। भाई तू कर पल्लू नहीं कर लेते, नू पल्लू करके और नू देखा नू करके कि हाँ मैं वीडियो बनाना बनाता हड्डिया में। तो भाई स्टे हो गया बहुत, अब चलते हैं आगे क्योंकि रास्ता भी है कुछ दो ढाई घंटे करीब करीब है और हमें बैंगोंग, उसके बाद दूसरी कौन सी नदी है वो कौन सी बता रहा था, लेक अभी वहाँ नाम याद नहीं आ रहा। और हाँ नेटवर्क कहाँ से उठ गए थे भाई, हमारे श्रीनगर में उठ गए थे मर दो। अरे भाई नेटवर्क श्रीनगर में ख़त्म हो गए थे, उसके बाद जहाँ भी होटल पर गए वहाँ पर सिर्फ वाई फाई से ही काम चलाया था। और अभी अपने आर्मी के सोल्जर जा रहे थे, आश्रम ने अभी सल्यूट करा और प्राउड फीलिंग होती है जब ऐसा करते हम, उन्हें भी अच्छा लगता है, रिप्लाई में वे भी सल्यूट करते हैं और हम इसका तो जवाब देगा सल्यूट करने में कैसा फील होता है। अच्छा इन लोगों का सांस चढ़ गई थी ये। भाई पैंगोंग लेक पहुँच चुके हैं, पैंगोंग गोंग के नाम है कन्फर्म नहीं पता। और भाई व्यू बहुत बढ़िया है, अभी जा रहे हैं लेक की तरफ, वहाँ जाना बंद कर दिया है गाड़ियों का, पहले गाड़ी जाती थी, गाड़ी पीछे पार्क कर दी है और अब जा रहे हैं पैदल पैदल वहाँ पे। चलते हैं और दिखाता हूँ व्यू लेक का। अभी पैंगोंग लेक से निकलने का प्लान हो चुका है, प्लान चेंज हो चुका है फिर से, और चेंज हुआ है हम जा रहे हैं वैष्णो देवी माता के दर्शन के लिए और स्ट्रेट यहाँ से वहीं निकलेंगे। 24 घंटे का रास्ता है और वो रास्ता ट्रैवल करके हम सीधे माता के दर्शन के लिए जाएंगे, माता के दर्शन करेंगे। उसके बाद सोचेंगे कि हम वापस घर जाएंगे या आगे जाएंगे, और वहाँ से ही आने में हालत ख़राब हो चुकी है। ये जब है जब हमने ऑक्सीजन की गोली ली हुई है, तो भाई जो यहाँ पे आता है कोई भी आता है भाई मेरे मतलब सब्सक्राइबर्स में से मेरे नॉन सब्सक्राइबर्स में से भाई ऑक्सीजन की गोली लेके आना। और ये तो होठ देखो बिल्कुल कितने डिहाइड्रेट हो चुके हैं, पानी पी पी के पागल हो चुके, पर होठ बहुत बुरा हाल है।
तो भाई अगर मेरी ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं आपको तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें ताकि अपनी जो छोटी सी फैमिली है वो जल्दी से पूरी हो जाए। टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर्स का, प्लीज गाइस वो पूरा करवा दो और वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं कल टाइम पर अगर वैष्णो देवी पहुंच गए तो होटल में। बाय बाय।